कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ हुज़ैफ़ा एडवानी और आप लोग देख रहे हैं एडी एग्जॉटिक पेंचेस पाकिस्तान। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी टिप लेके आया हूँ। मैं यहाँ सेटअप के ऊपर काम कर रहा था, चेकिंग कर रहा था कुछ चीज़ें, तो मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाए, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हर फैंसियर हर ब्रीडर के घर की। अच्छा देखिए, सीन कुछ ऐसा है कि ये आप बच्चे देख रहे हैं, इसके अंदर बच्चे निकले हुए ज़ेब्रा फ्रेंच पेस्टल ब्लैक फेस के, ठीक है। ये पेयर है हमारा पेस्टल बीएफ का और उसके अंदर हमारे पास तीन बच्चे निकले हुए हैं, जो कि एक दो ये सीड ऑपर के अंदर बैठे हैं। बाहर जाऊँ ये देखें। अच्छा ये बच्चों का जो जायंट साइज था ना, वो पेरेंट्स से चार गुना ज़्यादा साइज था, बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे बाहर आए, उसके बाद पेयर ने बच्चों की प्लगिंग करना शुरू करी, जो कि आप बच्चे का हाल देख रहे हैं सामने, किस कदर क्या बुरा हाल बनाया हुआ है इसने, ठीक है। तो ये कॉमन रीज़न है, कोई इतना कोई मेजर रीज़न नहीं है कि यार ये क्या मसला हो रहा है, कैसे हो रहा है, मगर मुझे बहुत सी कॉलें आती हैं इस रीज़न से रिलेटेड, तो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ उसका हल क्या है। कि देखें, सबसे पहले ये पेयर इस तरह करता क्यों है, कुछ पेयर्स को डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की, या कुछ पेयर की फितरत होती है। तो पहले तो आपने ये दोनों चीज़ें पूरी करनी है। देखें इसके अंदर कैल्शियम डला हुआ, आप देख रहे हैं कम डला हुआ है पानी इसके अंदर, पानी है इसमें मगर क्वांटिटी इसलिए कम रखी है क्योंकि कैल्शियम दिया हुआ है, कैल्शियम यू नो दैट के कॉस्टली है। और मेरे पास यहाँ पर एक टाइम के अंदर 10 लीटर पानी बनता है, तो मेरा एक 100 ml का आप समझें कि कैल्सिवेट, 200 ml मेरा कैल्सिवेट वन टाइम में यूज़ होता है। अगर मैं कैल्सिवेट यूज़ करूँ तो आप हिसाब लगा लें 1800 रुपये का 100 ml है, तो मेरा एक दिन का जो कैल्शियम है वो तकरीबन 3500-4000 तक का जाता है। तो इसलिए हम पानी की क्वांटिटी कम करते हैं ताकि वेस्ट कम हो, बर्ड कम पिए पानी। फीडर्स आती हैं छोटी वाली, वो मैं इंशाल्लाह कि आप लोगों को किसी और दिन दिखाऊंगा। स्लो स्लो गैजेट की तरफ भी आएंगे, अभी हमारा टॉपिक कुछ और है। अच्छा, एक रीज़न हो गया कैल्शियम की कमी, ठीक है। दूसरा रीज़न हो गया इनकी फितरत। अब फितरत या इनको बोर हो रहे होते हैं तब भी ये इस तरह करते हैं, तो इसका आपने क्या करना है, सबसे पहले नीम की टहनियाँ जो होती है ना, नीम के पत्तों के साथ टहनियाँ लेके आएँ, उसको वॉश करें, अपने केजेस में डाल दें, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मेरे बेंचेस के बच्चों के एवरी के अंदर आप लोगों ने इस तरह की टहनियाँ देखी होंगी। इसका रीज़न ये कि जब भी पेयर या बच्चे बोर हो रहे हो तो उसको प्लग करें, उसको खींचें, उसको नोचें, उससे एक तो फ़ायदा भी इसको मिलेगा, एंटी बैक्टीरियल है ऑर्गेनिक, ठीक है नीम, और वो है कि इनको इनके पेट के कीड़े वगैरह भी साफ़ होते रहेंगे, इनका टाइम भी पास होगा। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब पेयर अंडे देने वाला होता है, देखें ये पेयर देना शुरू हो गए अंडे, ठीक है। इसने अपना तीसरा, इसका ये चौथा क्लच है माशाल्लाह सीज़न का, इससे पहले के दो क्लच मैं अलग कर चुका हूँ, ये तीसरा क्लच आपके सामने, चौथा ये ले कर रहा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह और अच्छी देगा। और इसने पांच बच्चे निकाले थे, तीन आप यहाँ देख रहे हैं, दो मैंने वहाँ घुमाए, क्योंकि मैंने पहली बार इस पेयर से बच्चे पलवाए, इससे पहले नहीं पलवाए, तो मैंने बोला इसके ऊपर टेस्ट करना है, ज़्यादा नहीं रखना है। बहुत आला तरीके से इसने बच्चे पाले और बहुत अच्छे जायंट साइज़ के अंदर बच्चे मुझे करके दिए हैं इसने, मगर अब ये बच्चों की कर रहा है प्लगिंग। अगर ये मुसलसल इसी तरह प्लग करता रहेगा तो बच्चा मर जाएगा। तो अब आपने करना ये कि देखें, जब पेयर आपके अंडे देना शुरू हो जाए, नेस्टिंग ले लें अच्छी क्वालिटी की, बारीक नेस्टिंग, आप थोड़ी सी केज के इस साइड फंसा दें, ठीक है। केज के इस साइड फंसाने से ये होगा कि बर्ड को जब जब नेस्टिंग चाहिए होगी उसको खींच के वो खोल खोल के लेके जाता रहेगा, ठीक है। इसकी एक्टिविटी मेल की यहाँ पर लगी रहेगी, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट बच्चों के फैदर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर इम्पोर्टेड नेस्टिंग आती है, केज लाइफ केयर पे आप विजिट करके देख सकते हैं, इम्पोर्टेड नेस्टिंग का पैकेट आता है जिसके अंदर कॉटन भी होती है और बहुत सारी किस्म की मिक्स नेस्टिंग होती है। छोटा पैकेट होता है, 100 ग्राम 150 ग्राम का, 200-250 रुपये का पैकेट है, वो दो चार पैकेट लेके आप अपने पास रख लें। जब भी बच्चे आपके फ्लैच करें, बाहर खोदें, आप अपने पैर को वो नेस्टिंग दे दें, उसके अंदर उसको कॉटन भी मिलेगी, उसके अंदर उसको रोए भी मिलेंगे, उसके अंदर जेट नेस्टिंग भी मिलेगी, उसके अंदर कोकोनट भी मिलेगा, उसमें फाइबर भी मिलेगा उसको, उसके अंदर मूंज भी मिलेगी, मिक्स नेस्टिंग मटेरियल है। उससे ये होगा कि आपके पैर को जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो उतनी नेस्टिंग उठाएगा, उस तरह की नेस्टिंग उठा के अपने बॉक्स के अंदर करेगा। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।